अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कंवल मसरूर फ्रॉम टेक पाकिस्तान। जैसा कि हमारा एक सेगमेंट होता है कैजुअल टॉक, और हम हमेशा आपको बड़े अमेजिंग लोगों से मिलवाते रहते हैं। सो टुडे वी हैव अदनान अहमद हु इज़ ग्रुप जनरल मैनेजर एट इब्राहिम ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप हमेशा बड़े ही एक सपोर्टिव रहे हैं टूवर्ड्स टेक पाकिस्तान, और आपके साथ काफ़ी गपशप हमारी लगती रहती है। सो हम चाहते हैं कि लोगों को भी पता चले आप माशाल्लाह एक अमेजिंग पोजीशन पे हैं और सर्व कर रहे हैं। आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कब से शुरू हुआ, क्या किया और किन किन मराहल से गुजरे? बेसिकली इनिशियली तो एजुकेशन यहाँ से सरसैद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की अपनी इंजीनियरिंग और मास्टर्स। इसके बाद पहला जॉब का एक्सपीरियंस था, दैट वाज विद पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज PNS जौहर। तो वहाँ से जॉब का स्टार्ट लिया। वहाँ पर जो है बीइंग अ इंस्ट्रक्टर पढ़ाता भी रहा उनको और उनका नेटवर्क्स भी देखता रहा। देन आई ग्रो एंड मूव टू कराची पोर्ट ट्रस्ट। वहाँ एज अ 18 ग्रेड में असिस्टेंट मैनेजर IT के तौर पे ज्वाइन किया और 4 साल तक उनको सर्व करता रहा, जिसमें उनके तमाम पोर्ट्स, बर्थ की नेटवर्किंग और तमाम स्ट्रक्चर्ड सम तमाम कुछ चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वहाँ की इंस्टॉलेशन, कॉन्फिगरेशन, वो सारी टीम मैनेज करते रहे। देन आई ज्वाइन EMR पाकिस्तान, द मल्टी नेशनल ग्रुप, और वहाँ तकरीबन 4 से 5 साल का जर्नी वहाँ रहा, वन ऑफ द बेस्ट जर्नी, जिसमें तमाम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखते रहे, दुबई के, सिंगापुर, मलेशिया, और वहाँ पे डेटा सेंटर भी बुर्ज खलीफा में, इस वक्त भी स्टिल इट्स रनिंग देयर माशाल्लाह। वहाँ पे सर्व करने के बाद देन आई ज्वाइन द इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये बेसिकली दो इसमें टेक्सटाइल हैं और दो FMCG हैं। वन इज़ ओरियंट टेक्सटाइल, अनदर वन इज़ इब्राहिम टेक्सटाइल। और पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट द एक डू आइसक्रीम, वो भी इसका पार्ट है, और इमरान क्राउन कॉर्क बोतल के कैप्स बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ गुड FMCG कंपनी इन द मार्केट। तो टोटल तकरीबन 18 से 20 साल का ये एक जर्नी है, अप एंड डाउन्स चलते रहे, बट ये लॉट ऑफ लर्निंग और बहुत सारे एक्सपीरियंस, लोगों से मुलाकात का मौका मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली वर्किंग विद द सिंगापुरियंस, यू नो दैट दोज आर द पायनियर्स ऑफ नेटवर्क्स, और अरब्स के साथ, इंडियंस के साथ, तो सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। चले माशाल्लाह जी, ग्रेट जर्नी। सो आपका क्योंकि ताल्लुक IT के साथ भी है और काफ़ी टाइम से आपने, जैसे आपने बताया कि डेटा सेंटर को भी सर्व करते रहे, तो पाकिस्तान में आप कितना कोई IT और टेक्नोलॉजी साइड का आप एक पोटेंशियल देख रहे हैं? मार्केट के बारे में आपकी क्या, जस्ट फ्यू वर्ड्स, क्या क्या कहेंगे आप? एक्चुअली करंट सिनेरियो के अगर हम बात करें तो इस वक्त तो मार्केट ग्रोइंग बहुत अच्छी है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग अलॉट टुवर्ड्स टेक साइड, और जो नई जनरेशन आ रही है वो भी काफ़ी अग्रेसिव है टेक्नोलॉजी को लेकर। बट समहाउ जस्ट लाइक इस वक्त हमारा जो मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इन द फाइबर साइट और टेक्नोलॉजी साइट, वो चूंकि ओल्ड होने की वजह से उस लेवल की ग्रोथ तो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो फॉर द 5G, अब अगर स्टिल 5G भी हम लॉन्च भी कर दें यहाँ पर, तो समहाउ वो टेक्नोलॉजी इस वक्त स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, और ना हमारे पास उस तरह के नंबर ऑफ़ यूजर्स अवेलेबल है जो कि उसको मैनेज कर सकें। बट पोटेंशियल इज़ देयर एंड टीम्स आर वर्किंग, और नो डाउट के टेक्नोलॉजी पे काम काफ़ी हो रहा है, स्ट्रगलिंग बट सम हाउ हैव अ गुड मार्केट हियर। दैट मींस जो 5G के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होनी चाहिए थी, अभी उसमें हम लोग थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। बेसिकली देखें, स्टिल वी आर यूजिंग 4G, और अगर आप नंबर ऑफ यूजर्स देखें तो एक बड़ा नंबर नहीं है। और दूसरी बात है कि उनसे रिलेटेड जो मोबाइल्स हो गए या जो डिवाइसेस है वो भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। समहाउ जैसे जोंग ने भी एक टेस्ट किया और एक अच्छा 5G का एक्सपोजर दिखाया, चाइना में लॉन्च हुआ है, बट नंबर ऑफ यूजर्स वुड बी डिक्रीज्ड इफ 5G इज लॉन्च हियर। एक ये चीज़ें ही रहेंगी। दूसरा एक डेवलपमेंट साइट Still people doing a lot, but somehow उसमें भी काफ़ी काम अभी बाकी है। तो जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल वेव के बाद जो है हमने कुछ बड़े नए नए नाम सुने, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन या डाटा साइंसेस और काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान उसके लिए भी रेडी है? हमारे इंक्लूडिंग जो हमारी टीयर है जिसमें डेवलपर्स भी आते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है इन टेक्नोलॉजीज़ की, या अभी वी आर अ फेज ऑफ लर्निंग, आपका क्या कहना है? माय ओपिनियन, वैसे तो जैसे आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ने भी एक लॉन्च किया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लोग उससे लर्निंग भी करें, मतलब गवर्नमेंट एक अच्छा इनिशिएट ले रही है, बट समहाउ स्टिल हम उसके लर्निंग फेज में ही हैं, और इट विल टेक टाइम
कि जब हमारे पास से ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हमारा बैक प्लेन जो चलता हुआ आ रहा है वो अभी तक उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाया. ओके. और डेफिनेटली कि नए चांसेस और वो चीज़ें बनने में अभी एक वक्त दरकार ज़रूर होगा. बट ये कि एज अ पार्ट द वर्ल्ड इज़ मूविंग फास्ट अलॉट, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही है. नई जनरेशन एज फार एज जब हम अपने लेवल पर बात करें तो जो डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में अवेलेबल, तो ये जो है बाहर से पढ़ के आए, दे नो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द टेक्नोलॉजी. सो नॉर्मली नाउ द विजन इज़ गोइंग टू बी चेंज. द मैनेजमेंट और आपकी जो एलीट जो आपकी अप्रोच लोग हैं वो दे आर थिंक चीज़ें जो हैं वो मॉडर्नाइज होना शुरू हो जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको लेकर तो काफ़ी वर्किंग चीज़ों में हो रही है. जैसे हम अपनी कंपनीज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, अब हर तरफ एक मोबाइल एप्लीकेशन का दौर है. एग्जैक्टली. और दूसरा है कि बिजनेस ट्रेंड डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी को देख के चेंज होता जा रहा है. जिस तरह आपका ये बाइक किया करीम, जिस तरह ये जो बिजनेस है इट्स समथिंग लाइक ग्रेट. और टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक बड़ा बेहतर चेंज है कि जैसे अगर हम बात करें इमार, तो इमार द आई टी वॉज लुकिंग आफ्टर जस्ट द इमार प्रोजेक्ट्स, बट नाउ दे आर इमार टेक्नोलॉजीज. ओके. सो दे आर सर्विंग द अदर पीपल ऑल्सो. तो सेम सिनेरियो इज गोइंग ऑन हेयर. हम यहाँ पर भी जो है वो टेक्नोलॉजी के जो लोग एक्सपर्टीज बैठी हैं दे कम आउट और वो एक मार्केट को भी टच कर रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज से लोग फ़ायदा उठाएं. ओके. आपका कभी इस तरह वास्ता पड़ा है कि हम लोग मुझे हमें डिफरेंट लोगों को की तरफ से जो हमें डिफरेंट फीडबैक आए हैं कि जी वो उनको हार्ड कोर डेवलपर रिक्वायर्ड होते हैं या उनको किसी टेक्नोलॉजी पे उनको एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट पाकिस्तान में उसकी एक्चुअल रिसोर्सेज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लोग कहते तो हैं कि जी ठीक है मैं आता है, बट स्टैंडर्ड्स को मीट करना अभी भी पाकिस्तान में एक चैलेंज ही समझा जा रहा है. मगर अगर उसको उस आप जाविये में देखेंगे, अगर ये चीज़ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर देखें, जैसे अगर आप जाइटेक्स आपने विजिट किया तो जाइटेक्स के अंदर आप देखें, अगर आप डेवलपर्स या वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, दे आर चार्जिंग अ लॉट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी है? जी जी, वो पाकिस्तानी है, बट बिकॉज चूंकि दे आर इन फ्रॉम द मिडिल ईस्ट साइड, सो वहाँ का जो ट्रेंड है दे आर चार्जिंग अ लॉट. मोस्टली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज और फ्री लांसर्स अवेलेबल हैं जो कि नॉर्मली बाहर के मुख्तलिफ कंपनियों को सर्व कर रहे हैं, यहाँ से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए जा रहे हैं. और वी हैव अ पोटेंशियल, ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस लेवल के डेवलपर्स नहीं है, बट सम हाउ के उनको प्रैक्टिस की वो एनवायरनमेंट अभी तक मैसर नहीं आई, जिसकी बेसिस पे वो एक एडवांस प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी चला सके. ओके. सो ज़बरदस्त टेक पाकिस्तान की. सो आप टेक को आपने ज्वाइन किया, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और कोई सजेशन अगर देना चाहें हम किन एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली, और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. और टेक पाकिस्तान ज्वाइन करने के बाद मतलब डेफिनेटली ड्यू टू कह सकते हैं कि हमारी इशूज़ या मसरूफियात की वजह से कई इवेंट्स में अटेंड नहीं कर पाया, बट समहाउ इट्स अ ग्रेट वर्क और माशाल्लाह आपकी काफ़ी काबिश है और काफ़ी ग्रेट फेसेस और अच्छे मार्केट के पोटेंशियल लोग इस ग्रुप का पार्ट हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. और यही होप करते हैं कि टेक के साथ चलते हुए हम इस चीज़ को और ग्रो करेंगे. जिस तरह जीशान भाई की मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, अभी फ़ख्र आलम भाई ने काफ़ी चीज़ें उसमें हमारे साथ शेयर की हैं, तो समहाउ ग्रेट पोटेंशियल और आप एक मार्केट की बहुत अच्छी एक्सपोजर टीम के साथ हम चल रहे हैं और वी होप फॉर द बेस्ट फॉर द टेक और हमारी टोटल सपोर्ट और तमाम तर जो है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कोई मैसेज यूथ को आप करना चाहें? वेल, अगर यूथ के लिहाज से कहते हैं तो मेरे हिसाब से इस वक्त जो करंट मार्केट जो मैं देख रहा हूँ यूथ के लिए, तो यूथ जो है दे आर मोस्टली नॉट फोकस्ड समहाउ फॉर देयर लर्निंग साइड, rather they are focused on their earning side a lot as per the market trend is going on. So mera message ye hai ki basically life jo hai uske andar jo na patience matters a lot. So you should learn first aur jab aap ek achhi position pe learn kar jayenge, apne mulk ko apni company ko serve karenge, then automatically you will earn a lot. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you.